गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर दोस्तों आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सर्च करना है प्रमोद राणा, तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल खुल जाएगी, और जल्दी से दोस्तों फॉलो के बटन पर क्लिक कर लीजिए तो आप मैसेज भी कर पाएंगे यदि आपको कोई क्वेरी है। तो दोस्तों वहाँ पर सभी एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें रेलवे हुआ, SSC हुआ, तो आप सभी की दोस्तों PDF फाइल भी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और जो शिक्षक भर्ती आई है उससे रिलेटेड भी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हुआ, पर्यावरण अध्ययन हुआ, तो ये भी आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके जुड़ जाइए और डेमो के माध्यम से देख सकते हैं कि वहां किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए मैं अब चलते हैं ऑफिशियल साइट पे। दोस्तों देखिए, शिक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आपको। दोस्तों मैं ये जो ऑफिशियल साइट की लिंक है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको मैं पूरा बता देता हूं कि आपको किस तरह डाउनलोड करना है और किस तरह आवेदन करना है। तो ऑनलाइन आवेदन 2018-19 पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रोफाइल खुल जाएगी। अंतिम तिथि देखिए 18-10-2018 है। आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करें की अंतिम तिथि, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें कि अंतिम तिथि ये है, अपना भरा हुआ आवेदन पत्र प्रिंट करें, प्रिंट आप 25-10-2018 तक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों BTT, BEC और DEC हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विवरण पुस्तिका महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के लिए आप ये इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको सामान्य दिशा निर्देश DEC के पढ़ने हैं, BEC के पढ़ने हैं और BTT के पढ़ने हैं, तो आप ये अच्छे से पूरा दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। मैं डाउनलोड करके आपको अच्छे से बता देता हूँ, तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, तो ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ये सामान्य निर्देश किसके हैं, BTT यानी बेसिक ट्यूशन टीचर के। शैक्षणिक योग्यता बताई गई है, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे जो जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वह उसी राज्य के निवासी हों। आवेदन बढ़ने से पूर्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ यदि प्राप्त की गई प्रशिक्षण योग्यता यदि हो तो ही भरें, अन्यथा खाली छोड़ दें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने BEd, BTS मतलब ये तथा चयन हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करते हों उन्हें वरीयता प्रदान की जाएंगी, और उनके लिए 25% सीटें सुरक्षित रखी जाएंगी। इन 25% सीटों में 50% पुरुष व 50% महिलाओं का चयन किया जाएगा। आयु की गणना देखिए दोस्तों, न्यूनतम 21 वर्ष तथा मैक्सिमम 45 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2018 से। आरक्षण, ये आपको बता रखा है कि आरक्षण में किस अनुसार क्या छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो देखिए दोस्तों, शुल्क हेतु अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपीज़ रखा है, और अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क 450 रुपीज़ होगा। विकलांग अभ्यर्थियों से 50 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और BTT यानी बेसिक ट्यूशन टीचर का न्यूनतम मानदेय कितना होगा, प्रतिमाह 10,500 रुपये दे होगा, और ये आप अच्छे से देख सकते हैं। कार्यकाल आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर मैंने बता ही दिया PDF और किस तरह डाउनलोड करनी है, तो ये इस अनुसार आप देख सकते हैं। अवकाश बताया गया, प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया बताई गई है, चयन प्रक्रिया जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, ERDO 2018 हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लेखित हाई स्कूल इंटरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी, और वरीयता क्रम में वर्ग या श्रेणीवार चयन की कार्रवाई की जाएगी। गुणांक के आगणन प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को 0.2 अंकों, मतलब ये आपको कह रहे हैं जो भी आपका दोस्तों 10th का 12th का और जो भी आपका ग्रेजुएशन का जो भी परसेंट होगा उस अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी BTT के लिए। और कर्तव्य एवं दायित्व, ये आपके सामने दे रखा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरना, विज्ञप्ति की तिथि से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कब से हो गए थे, 16/9/2018 से हो गए थे, अंतिम तिथि 18/10/2018 बता रखी, और ये इस अनुसार आप इस साइट पर जाके देख सकते हैं जहाँ से ये डाउनलोड किया गया है। के बाद दोस्तों देख लीजिए, सामान्य निर्देश किसके हैं, ब्लॉक शिक्षा नियंत्रक यानी BEC के हैं। शैक्षणिक योग्यता, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे जो भारत यानी राष्ट्र राज्य के निवासी हों। आवेदन बढ़ने से पूर्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में, कोई भी एक विषय में BEd मतलब ये पूरा किसी एक परीक्षा उत्तीर्ण की हो। आवेदन की आयु देख लीजिए, 22 वर्ष मिनिमम और 45 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए। आरक्षण ये इस अनुसार बताया गया है। आवेदन शुल्क वही दोस्तों अलग अलग है, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400 रुपीज़, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपीज़, विकलांगों तो नहीं होना चाहिए, यहाँ दिव्यांग होने चाहिए। दिव्यांगों के लिए कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ हो जाएगा।
मानदेय बताया गया कितना, 18,450 प्रति माह देय होगा। और कार्यकाल ये आप इस अनुसार देख सकते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। अवकाश भी बताया गया, प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया यही दोस्तों, अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक व प्रशिक्षण योग्यता परीक्षा के प्राप्त अंक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आकलन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता क्रम में वर्ग श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जाएगी, ये इस अनुसार बताया गया है। और यही बताया गया कि कब से कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे दोस्तों देख लीजिए, डीसी यानी सामान्य निर्देश जिला शिक्षा नियंत्रक डीसी के लिए हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, क्या मांगा है, आवेदन बढ़ने से पूर्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में परास्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यदि प्राप्त की गई प्रशिक्षण व उक्त योग्यता यदि हो तो भरें, अन्यथा खाली छोड़ दें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एमएड, एमए एजुकेशन, एमफिल एंड पीएचडी तथा चयन हेतु निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करते हों उन्हें वरीयता प्रदान की जाएंगी और उनके लिए 50% सीटें सुरक्षित रखी जाएंगी। इन 50% सीटों में 50% पुरुष व 50% महिलाओं का चयन किया जाएगा। आयु की दोस्तों बात करें तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2018 से न्यूनतम 24 और मैक्सिमम 45 वर्ष होनी चाहिए। और आरक्षण इस अनुसार बताया गया, आवेदन शुल्क देख सकते हैं, ओबीसी मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ₹400, अन्य अभ्यर्थियों के लिए ₹600, दिव्यांगों के लिए ₹50। मानदेय आपको बताया गया है 26,200 प्रति माह देय होगा। और ये कार्यकाल बताया गया है, अवकाश बताया गया, प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया बताई गई है। चयन प्रक्रिया भी वही दोस्तों, जो आपका प्राप्त अंक होगा हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक व परास्नातक परीक्षा के प्राप्त अंक प्रतिशत के योग के आधार पर, यह आपको बताया गया है। दोस्तों इसी के साथ साथ यदि और भी क्वेरी है तो आप अनअकैडमी पे जाके प्रमोद राणा सर्च करके आप हमसे पूछ सकते हैं, वहां पर आपको मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आशा करूंगा कि वैसे तो दोस्तों पूरी जानकारी अच्छे से बता ही दी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।